हेलो एवरीवन, मैं हूं आदित्य और ये खेल एनालिटिक्स का नया वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में जो मैच होने जा रहा है उस मैच के बारे में। मैच के बारे में आगे बात करेंगे, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि इसके अंत में मैं एक बेस टीम बताऊंगा। ऑब्वियसली उसमें चेंजेस आएंगे टॉस के बाद, पर फिलहाल अपनी आप एक बेस टीम उसको देख करके सेट कर सकते हो। वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि कौन से बॉलर्स को लेना चाहिए, किस टीम के ज्यादा बॉलर्स को लेना चाहिए, तो पूरा वीडियो देखना। अब जरा इनके रीसेंट फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो आरसीबी पिछले 5 मैचेस में से 3 मैच जीती है, लास्ट 2 मैच जीतते हुए आ रही है और ये मैच फिर से उनके ही ग्राउंड पे होगा। वहीं केकेआर की बात करें तो लगातार शुरुआत में कुछ हो सकता है कुछ कमजोर टीम लग रही थी, पर लगातार कुछ करेगी, पर उसके बाद से लाइन से 4 मैच हारे हैं और काफी टेबल के नीचे में काफी नीचे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इस मैच में बाउंस बैक करेंगे। पर जरा हेड टू हेड की बात करते हैं आगे। हेड टू हेड देखें तो लास्ट 3 ईयर्स में दोनों ने आमने सामने 10 मैच खेले जिसमें से 5 आरसीबी ने जीते हैं, 5 केकेआर ने जीते हैं। पर ये अब वो केकेआर नहीं रही जिन्होंने 5 मैच जीते थे, टीम में काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। हेड टू हेड लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो आरसीबी ने 2 जीते हैं, केकेआर ने 3 जीते हैं। एवरेज विकेट लॉस पर इनिंग की बात करते हैं। एवरेज विकेट लॉस पर इनिंग क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जब एक टीम दूसरे टीम के अगेंस्ट खेलती है तो किसके कितने विकेट गिरते हैं, इससे हमें क्या फायदा होता है। इससे हमें ये फायदा होता है कि हमको कौन सी टीम लेनी है। तो जैसे कि आप आरसीबी को अगर देखिए तो आरसीबी के ऑन एवरेज 5.3 विकेट्स गिरते हैं अगेंस्ट केकेआर, वहीं केकेआर के 6.3 विकेट्स गिरते हैं अगेंस्ट आरसीबी। तो आपको मैच में 12-13 विकेट ओवरऑल गिरते दिख सकते हैं और दोनों तरफ के स्ट्राइकिंग बोलर्स जो हैं उनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं। विनिंग प्रोबेबिलिटी देखें तो मेरे हिसाब से ये मैच आरसीबी को ही जीतना चाहिए, उनके ग्राउंड पे हो रहा है, फेवरेट रहेंगे, पर अगर कुछ कंडीशन बदलती है तो देखना होगा क्या हो सकता है, क्योंकि आरसीबी का जो मिडिल ऑर्डर है वो काफी कमजोर है और ये हमको पिछले मैच में भी दिखा था। अब मैच कहाँ होगा, मैच बताया जैसे मैंने कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। पेस फ्रेंडली विकेट है, फर्स्ट बैट फ्रेंडली विकेट है और छोटी बाउंड्रीज हैं, बहुत सारे छक्के आपको मारते हुए इसमें लोग दिख सकते हैं, रन काफी बनेगा यहाँ पे। अब सर हेड टू हेड बैटर परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि दोनों की टीम जब आमने सामने खेलती है आज तक तो किस बैटर ने कितने रन बनाए। आंद्रे रसेल सबसे ऊपर 14 मैचेस खेले, 395 रन बनाए, 43.89 का एवरेज है। फिर फैफ को देखिए, फैफ ने जो है 17 मैचेस खेले हैं, 455 रन बनाए, 41.36 का एवरेज है, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, ऑरेंज कैप भी अभी इनके पास। फिर विराट कोहली को देखिए, किंग कोहली पिछले मैच में 0 पर आउट हो गए थे, गोल्डन डक था, पर दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं और 1-2 मैचेस से कुछ होता नहीं, 31 मैच खेले हैं अगेंस्ट केकेआर के, 807 रन है, 40.35 का एवरेज है और हम लोग उम्मीद करेंगे कि एक अच्छी पारी यहाँ पर भी इनकी दिखेगी हमें। कुछ तो आते हैं सुनील नारायण, सुनील नारायण का एवरेज अच्छा है, 38.67 का है, 18 मैचेस खेले हैं, 232 रन बनाए, टॉप ऑर्डर में कई कई बार भेज दिए जाते हैं पावर प्ले में ताकि रन बनाए और बहुत ही हैंडी विकेट रहते हैं, किसी को भी दे जाते हैं। फिर ग्लेन मैक्सवेल इस समय काफी फॉर्म में, सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में, वैसे तो एवरेज डिसेंट सा ही है, 29 के करीब का एवरेज है, 447 रन है 19 मैचेस में। फिर दिनेश कार्तिक आते हैं, 19 मैचेस में 375 रन है, 28.85 का एवरेज है, ठीक ही ठाक एवरेज है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि इस बार बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, लास्ट मैच में जब बहुत ही अच्छा एक टारगेट बन गया था उसके बाद भी ये स्कोर नहीं कर पा रहे थे जबकि उनके पास बहुत मौका था। फिर नीतीश राणा आते हैं, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, हेड टू हेड में भी काफी बेकार एवरेज है, 23.25 का, 14 मैचेस में केवल 279 रन बनाए। हेड टू हेड बॉलर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा विकेट लिए सुनील नारायण ने केकेआर की तरफ से, 18 मैचेस 23 विकेट। फिर आते हमारे कर्ण शर्मा, 14 मैचेस में 19 विकेट लिए, इस मैच में भी आपको देख सकते हैं विकेट लेते हुए। हर्षल पटेल आते हैं, 11 मैचेस में 13 विकेट। फिर मोहम्मद सिराज है, 11 मैचेस में 12 विकेट है, ये काफी ज्यादा बढ़ सकता है इस बार क्योंकि नई बॉल से ये जादू कर रहे हैं इस समय। 2 विकेट आप मान के चलते हैं कि सिराज को मिलेंगे ही मिलेंगे। शार्दुल ठाकुर 10 मैचेस 12 विकेट और इस मैच में खेलते हुए भी दिखेंगे क्योंकि छोटी बाउंड्री से हिट कर सकते हैं, बैटिंग ऑर्डर में भी प्रमोट हो सकते हैं और बॉलिंग भी इनको काफी मिलेगी। उमेश यादव ने 14 मैचेस में 12 विकेट लिए हैं अगेंस्ट आरसीबी। फिर आंद्रे रसेल आते हैं, 14 मैचेस 10 विकेट और वरुण चक्रवर्ती जो कि एक तरीके से समय केकेआर के स्टार बॉलर हैं, 7 मैचेस में 10 विकेट लिए हैं। टॉप बैटर्स एट वेन्यू की बात करते हैं, वेन्यू में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है? सबसे अच्छा परफॉर्मेंस फैफ का है, 8 मैचेस में 390 रन बनाए हैं, 78 का एवरेज है। फिर आंद्रे रसेल ने 4 मैचेस में यहाँ पे 132 रन बनाए, 66 का एवरेज है। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा मैचेस खेले, 76 मैचेस खेले, 2518 रन बनाए, 44.18 का एवरेज है। किंग कोहली मतलब कैप्टन बना दो यार, देखते कैप्टन बना दो। फिर सुनील नारायण आते हैं, 8 मैचेस में 104 रन है, 34.67 का एवरेज, क्योंकि
इनकी बैटिंग उस हिसाब से मतलब उतनी मिली नहीं इनको। फिर मनदीप सिंह शायद खेलेंगे नहीं, पर 20 मैचेस में 386 रन है केकेआर की तरफ से, 29.69 का एवरेज, हो सकता है इनको खिला भी लिया जाए हेड टू हेड और वेन्यू देखते हुए। ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी की तरफ से 11 मैचेस खेले हैं इस ग्राउंड पे और 287 रन बनाए, 28.7 का एवरेज है। इस 287 में से ज्यादातर जो रन है ना इनके, वो इसी आईपीएल में आपको दिखे हैं। टॉप बॉलर्स एट द वेन्यू की बात करें तो उमेश यादव ने सबसे ज्यादा 20 मैचेस में 25 विकेट लिए, फिर आते हैं हर्षल पटेल, 18 मैचेस में 17 विकेट लिए। पिछली बार ये इंपैक्ट प्लेयर थे और जिसके भी टीम में थे उसको एक तरफा इन्होंने जिता दिया था। मोहम्मद सिराज आते हैं आरसीबी के, 13 मैचेस में 16 विकेट है। फिर कर्ण शर्मा 6 मैचेस में 11 विकेट है, लगभग 2 विकेट हर मैच में लेकर के जा रहे हैं। अब जरा मैचअप्स की बात करते हैं, मैचअप्स की इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता चल जाता है किस बॉलर को लेना है किसको नहीं लेना है। तो विराट कोहली देखिए, सुनील नारायण के अगेंस्ट 4 बार आउट हुए लेकिन रन भी इन्होंने 102 बनाए, हालांकि 102 बॉल पे ही बनाए। तो ना विराट कोहली आगे है ना सुनील नारायण आगे हैं, दोनों ऑडी मतलब इवन ही टाइप का इनका कॉन्टेस्ट रहा है। फिर विराट कोहली को उमेश यादव ने 3 बार आउट किया लेकिन 162 रन बनाए हैं और वो भी 39 बॉलों पे, तो काफी अच्छा खेलते हैं उमेश यादव को ये। ग्लेन मैक्सवेल को सुनील नारायण ने 2 बार आउट किया 88 रन पे, तो ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि इवन ही है, कोई इनमें से स्ट्रांग नहीं है। फैफ डु प्लेसिस को सुनील नारायण ने 46 रन पे 2 बार आउट किया और 63 बॉलों पे, तो आपको जब फैफ डु प्लेसिस जो है ओपनिंग पे देंगे तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर ये सुनील नारायण दूसरे ओवर में आ जाए, पहला ओवर भी कर दे तो भी कोई चौंकने वाली बात नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल को उमेश यादव ने जो है 17 रन दिए हैं 19 बॉलों पे, 3 बार आउट किया। तो इस तरीके से आपको देखो ना तो उमेश यादव आपको एक मस्ट पिक दिख जाएंगे कल के मैच में। फिर ग्लेन मैक्सवेल को वरुण चक्रवर्ती ने भी परेशान किया है, 31 रन दिए हैं 20 बॉलों पर, 2 बार आउट किया है। कोलकाता नाइट राइडर्स का जरा मैचअप देख लेते हैं, तो नीतीश राणा को सिद्धार्थ पोल परेशान करते हैं, 2 बार आउट कर चुके हैं लेकिन शायद ही दिखे। रसेल को हर्षल पटेल ने 35 रनों पर 2 बार आउट किया 25 बॉलों पर। नीतीश राणा को भी हर्षल पटेल जो है 29 रन पे 2 बार आउट कर चुके हैं 18 बॉलों पे। फिर सुनील नारायण को कर्ण शर्मा ने 2 बार आउट किया है, सुनील नारायण को हसरंगा ने भी 2 बार आउट किया, सुनील नारायण को मोहम्मद सिराज ने भी 2 बार आउट किया 6 बॉलों पे। तो सुनील नारायण एक वॉकिंग विकेट है, असल में ये जब आते हैं तो इस तरीके से आते हैं कि आज तो ये 20 बॉलों पे 200 रन बनाएंगे और उसी में ये अपना विकेट किसी को भी दे जाते हैं, 0 पे भी आउट हो जाएंगे, कोई चौंकने वाली बात नहीं है। अब जरा सेफ कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको एक जरा टीम सजेशन दिखाऊंगा अपना। तो मेरे हिसाब से फैफ कोहली मैक्सवेल एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। डिफरेंशियल में जाना चाहते हैं तो रसेल को ले सकते हैं, एक उनसे की तरफ से एक अच्छा इनिंग ड्यू है इस आईपीएल और छोटी बाउंड्रीज है, तो मैं रसेल पे बेट ले सकता हूँ, हो सकता है मेरी टीम के कैप्टन रसेल ही हूँ। फिर जरा टीम देखते हैं, तो अभी फिलहाल हमने विकेट कीपिंग सेक्शन छोड़ दिया है क्योंकि कोलकाता की तरफ से कौन खेलेगा और ये हमको कंफर्म नहीं है अभी। गुरबाद भी खेल सकते हैं, जगदीजन भी खेल सकते हैं, गुरबाज के खेलने के चांसेस ज्यादा है और जेसन रॉय भी वापस से आ गए हैं स्क्वाड में, तो किस बैटर को लेना है, कितने फॉरेन प्लेयर होने चाहिए, थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। दिनेश कार्तिक को मैं अभी प्रिफर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो डाउन द ऑर्डर आते हैं और कुछ आउट ऑफ टच दिख रहे हैं, मतलब एक होता है कि बल्लेबाज की तरफ से इंटेंट दिखे तो दिनेश कार्तिक की तरफ से इंटेंट भी बहुत ही कम दिखा है। फिर बैटर्स में स्ट्रेट चॉइसेस में विराट कोहली, फैफ डु प्लेसिस, जेसन रॉय और नीतीश राणा एक थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि पिछली बार इनका जैसे आप देखोगे आफ्टर मैच प्रेजेंटेशन में देख के लगा था कि अभी ये थोड़े सीरियस हो रहे हैं टीम के लेकर के, कैप्टेंसी भी थोड़ी सही कर रहे हैं, कोई कहीं चीजें गलत कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि अपने कंधों पे थोड़ी पारी संभालना चाहेंगे, इसलिए एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे। ऑलराउंडर्स सबकी टीम में रहेंगे, इनको बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है। हो सकता है कि हसरंगा को ना लिया जाए, पर हसरंगा जो है हिट जब सामने सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, नीतीश राणा, जैसन रॉय टाइप के लोग रहेंगे जो कि सोचेंगे लाओ पहली बॉल पे छक्का मारते, तो वहां पे हसरंगा कई बार काम आ जाते हैं। बॉलर्स में फिलहाल हमने मोहम्मद सिराज और वरुण चक्रवर्ती को लिया है, टॉस के बाद हम देखेंगे कंडीशन क्या है, तो हो सकता है एक यहाँ पे बैटर से हम नीतीश राणा को कम कर दें और यहाँ पे हम उमेश यादव को भी ले लें। तो फिलहाल इस प्रीव्यू में इतना ही, अगर आपने इस प्रीव्यू को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा या मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं।